ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी ही ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर भूकंप आते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है और ऐसे कई ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद हैं जहाँ पर पृथ्वी की तरफ भूकंप आते हैं। जर्नल द एस्ट्रोफिजिकल लेटर में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक वैज्ञानिकों को एक ऐसे ग्रह ढूंढने में सफलता मिली है जहां पर पृथ्वी की तरफ भूकंप आते हैं। जी हां, वैज्ञानिकों को पहली बार अपने सौरमंडल से बाहर किसी ऐसे ग्रह का पता चला है जहां पर टेक्टोनिक गतिविधि आने की भूकंपीय गतिविधि देखी जाती है। बता दें कि यह गतिविधि ग्रह के ऊपरी परत की टेक्टोनिक प्लेट हीलिंग की वजह से उत्पन्न गर्मी की वजह से दर्ज की गई है। तो आइए जानते हैं इसके क्या मायने हैं। बता दें कि यह ग्रह पृथ्वी से 45 प्रकाश वर्ष दूर है और इस ग्रह का नाम LHS 3844b है। इस ग्रह पर काफी ज्यादा ज्वालामुखी भी हैं। इनमें होने वाले विस्फोट की वजह से ग्रह के एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध तक टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं और यहाँ काफी ज्यादा भूकंप आता है। पृथ्वी से अगर इस ग्रह की तुलना करें तो LHS 3844b पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा है और चट्टानी ग्रह है। ये एक लाल रंग के बौने तारे की परिक्रमा करता है। बता दें कि यह अपने मूल तारे से काफी नजदीक है। यह इतनी जल्दी अपने तारे का चक्कर लगाता है कि इसका एक साल सिर्फ 11 घंटे के बराबर होता है। सौरमंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह बुध के बिल्कुल समान। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि LHS 3844b में भी वायुमंडल का अभाव है। बर्न यूनिवर्सिटी के टोबियास मियर ने कहा कि ये वायुमंडल के अभाव की वजह से हमें ग्रह के अंदर चल रही गतिविधियों का पता लगाना आसान हो गया है। और अगर वायुमंडल होता तो ग्रह की सतह के नीचे क्या चल रहा है यह बताना काफी मुश्किल था। बता दें कि वायुमंडल होने की वजह से ग्रहों के सतह पर होने वाले हलचल का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह सब वायुमंडल से में छिप जाते हैं। जी हाँ, ग्रह पर मौजूद वायुमंडल के कारण इन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये सारी गतिविधियां आमतौर पर वायुमंडल के नीचे छिपी होती हैं। इस ग्रह की अगर बात करें तो यह अपने मूल तारे से इतना नजदीक है कि वह अपने मूल तारे के साथ टाइडल लॉक हो गया है, यानी कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की परिधि में आ गया है, जैसे धरती के साथ चंद्रमा लॉक्ड है। LHS 3844b ग्रह का दिन का तापमान जहां 800 डिग्री सेल्सियस रहता है वहीं रात में यह घटकर -250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यही कारण था कि वैज्ञानिकों को संदेह था कि तापमान इतना ज्यादा अंतर आना इस बात का प्रमाण है कि सतह के अंदर भूकंपीय गतिविधि हो रही है। वहीं अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स पहाड़ों को लिफ्ट करते हैं। भूकंप आने पर ऊपरी सतह हिलने लगती है जबकि प्लेट्स के नीचे होने वाली हलचल दबाव घर्षण से ज्वालामुखी फट पड़ते हैं। इससे लावा बाहर निकलता है। यही प्रक्रिया दूसरे ग्रहों पर भी होती है लेकिन वहाँ वायुमंडल नहीं है इसलिए तापमान भी ज्यादा रहता है। बता दें कि LHS 3844b ग्रह को इन गतिविधियों का जांचने के लिए टोबियास मियर की टीम ने कुछ कंप्यूटर सिमुलेशन किए। इन सिमुलेशन से प्लेनेट में टेक्टोनिक प्लेटों और भूगर्भीय विभाजनों का पता चला। ऊपरी सतह की गहराई और ढांचे का भी पता चला। इससे वैज्ञानिकों को टेक्टोनिक प्लेट्स की मौजूदगी और उनके हलचल की पुख्ता जानकारी मिली। इस स्टडी में शामिल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न के शोधकर्ता डैन बोवर ने बताया कि कंप्यूटर सिमुलेशन से यह नहीं पता चला कि भूकंपी लहरों का प्रवाह किस तरफ होता है। कभी सिमुलेशन ने दिन से रात में टेक्टोनिक लहरों का प्रभाव बताया तो कभी रात से दिन में। बोवर ने यह नहीं बताया कि प्रवाह किस तरफ होता है, कुछ में या दिन से रात में तो कुछ रात से दिन की तरफ इशारा करते हैं।